तो दोस्तों आज 15 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन हो चुका और अभी अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी घोषणा बड़े ऐलान कर दिए। यूपी के सभी 75 जिलों की आज की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप यूपी के किसी भी जिले से हैं तो वीडियो को लाइक करके खबर को एकदम आखिर तक जरूर देख लें और कमेंट में अपने जिले, गाँव या शहर का नाम जरूर लिखें। यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, जुलाई से बढ़े दर से मिलेगा महंगाई भत्ता। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान 1 नवंबर से नगद किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के दिए अवशेष धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते पीएफ में जमा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। यूपी पीसीएस को लेकर योगी के निर्देश पर आयोग झुका, एक दिन में होगी पीसीएस परीक्षा, आरओ एआरओ पर गतिरोध जारी। दरअसल आपको बता दें कि यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन ने रंग दिखा दिया है। पीसीएस परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग मान ली गई है। पीसीएस की परीक्षा अब पहले की तरह एक दिन में शिफ्ट कराई जाएगी। दो दिन परीक्षा का आदेश वापस हो गया है। जिलाधिकारी और आयोग के सचिव ने छात्रों के बीच आकर लाउडस्पीकर से यह घोषणा की। डीएम ने बताया कि सीएम योगी के आदेश पर आयोग ने यह फैसला लिया। कुछ देर बाद इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया। छात्र एक दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग के साथ ही नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। अब एक शिफ्ट में होने से नॉर्मलाइजेशन की भी जरूरत नहीं होगी। वहीं आरओ यारो की परीक्षा स्थगित करते हुए कहा गया है कि इसके लिए समिति बनाई गई है। समिति अब इस पर बड़ा फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करें, एक महीने में रिपोर्ट करें, पेश लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाने और वहां से बांटने के लिए आए पौष्टिक आहार का मुद्दा उठाया गया। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन कराने की जरूरत है। कोर्ट ने रक्षा खाद्य और अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर के निदेशक को आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करें। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता की जाँच और इस योजना को प्रदेश में किस तरह से चलाया जा रहा है इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। उत्तर प्रदेश के हर जिले में उर्वरक की पर्याप्त तो उपलब्धता, कृषि मंत्री बोले अफवाहों पर ध्यान न दे किसान। जी हां, आपको बता दें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक बार फिर प्रदेश के सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त तो उपलब्धता का दावा किया है। कृषि मंत्री ने किसानों को अफवाहों पर ध्यान न देने और संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यूरिया और डीएपी का सीमित उपयोग करने के साथ अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करना जरूरी है ताकि मिट्टी और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। यूपी में आबादी के हिसाब से शहरों को सुविधाएं, मानक बदलने जा रही योगी सरकार, जानिए क्या है मकसद। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार जिस तरह से शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है उसी तरह से सुविधाएं देने के लिए मानक बदलने जा रही है। नई योजनाओं में जहां 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, वहीं पार्क, कल्याण मंडप व छात्रावास जैसी और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। नगर विकास विभाग इसके लिए नए बजट में प्रावधान कर रहा है। इसका मकसद शहरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना है। प्रदेश के नगर निगमों की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। अभी तक नगर निगमों में अधिकतम 10 लाख की आबादी मानकर विकास कार्य का खाका तैयार किया जाता था, लेकिन अब बड़े शहरों में आबादी 20 लाख से अधिक हो गई है। खासकर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद और वाराणसी की आबादी 20 लाख से अधिक हुई। उत्तर प्रदेश में वकीलों के आंदोलन का आज 13वां दिन। मेरठ और वेस्ट यूपी में आज भी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। दरअसल आपको बता दें कि वेस्ट यूपी में वकीलों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को हड़ताल का 12वां दिन रहा, आज भी वकीलों ने हड़ताल की घोषणा कर डाली है। वकीलों के आंदोलन के चलते वेस्ट यूपी की अदालतों में लाखों केसों की सुनवाई रोज प्रभावित हो रही है। गौरतलब हो कि गाजियाबाद कोर्ट रूम में 29 अक्टूबर को वकीलों और जिला जज के बीच बहस के बीच कहासुनी हो गई थी। हंगामा हो गया था। पुलिस ने कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज करा दिया था। जिला जज को पुलिस अधिकारी वकीलों के बीच से निकाल कर ले गए थे। इसके बाद से लगातार जिला जज के तबादले और सस्पेंशन की मांग की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी समेत 15 जिलों के डीएम बदले जाएंगे। यूपी के 48 आईएएस का जल्द होगा प्रमोशन, प्रमुख सचिव सचिवों में भी होगा बदलाव। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के ब्यूरोक्रेसी में जनवरी में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। 2009 बैच के 41 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव डीएम रैंक से सचिव रैंक में पदोन्नति मिल जाएगी। इनमें लखनऊ वाराणसी कानपुर गाजियाबाद और मथुरा के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। वहीं 7 सचिव रैंक के अफसरों को प्रमुख सचिव रैंक में प्रमोशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2025 में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग सहित करीब 24 से अधिक आईएएस अधिकारी रिटायर्ड होंगे। 48 आईएएस अफसरों को पदोन्नति मिलेगी। विशेष सचिव और डीएम स्तर के 41 आईएएस सचिव रैंक से पदोन्नत होने के बाद कई विभागों में निदेशक और विशेष सचिव भी बदल जाएंगे, तो कई जिलों में डीएम बदलने वाले हैं। आप किस जिले से हैं, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में शराब और बियर विक्रेताओं के लिए नया नियम लागू, आबकारी आयुक्त ने जारी किए निर्देश। दरअसल प्रदेश में अब यूपीआई व क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन भुगतान से शराब खरीदी जा सकती है। इस संदर्भ में आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि शराब विक्रेताओं को पॉश मशीनें भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। शराब विक्रेता पॉश मशीनों से क्यूआर कोड को स्कैन करके ही शराब की बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा आबकारी आयुक्त ने कहा कि उपभोक्ता बियर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बियर की बोतल व स्कैन को स्कैन करने के पश्चात बिक्री की जा रही है या नहीं। उत्तर प्रदेश में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी वाहन चेकिंग कर सकेंगे, कई अधिकार बढ़ेंगे, जनता हो जाए सावधान। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI के अधिकार बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई। पहले RI पद नाम से पहचाने जाने वाले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को वाहन चेकिंग करने का अधिकार रहेगा। साथ ही वाहनों की तकनीकी जांच के अलावा वाहन शोरूम में चेसिस नंबर का भी सत्यापन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से राजस्व बढ़ेगा, सड़क घटना पर भी अंकुश लगेगा। परिवहन विभाग ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिया है। यूपी में कुछ समय पहले ही RI का नया पद नाम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर किया गया है। इनके पास अभी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अब इनको नाम बदलने के साथ ही कई बड़े अधिकार दिए जाने वाले हैं। तो आप लोग वाहन सावधानी से चलाएं और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यूपी में सपा प्रमुख आज टप्पल में करेंगे जनसभा। अलीगढ़ में डॉक्टर चारू केन के लिए मांगेंगे वोट, 1 घंटे संबोधित करने के बाद जाएंगे मैनपुरी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अलीगढ़ आ रहे हैं। खैर, विधानसभा के उपचुनाव के लिए वह टप्पल में जनसभा को संबोधित करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चारू केन के लिए वोटों की अपील करेंगे। सपा की जनसभा टप्पल थाना क्षेत्र में कमालपुर मालन फार्म हाउस के सामने स्थित पार्क में आयोजित होगी। यहां वह 1 घंटे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ में मतदाताओं को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव वायु मार्ग के जरिए मैनपुरी सीधे जाएंगे और वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि भारत मेला 2024 लखनऊ में जुटेंगे 1 लाख किसान। 15 से 18 नवंबर तक होगा आयोजन। जी हां, आपको बता दें कि 15 से 18 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेला का आयोजन होगा। प्रदेश में कृषि और पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयोजित होने जा रहे 4 दिवसीय मेले का शुक्रवार को आज राजधानी के वृंदावन योजना मैदान में सीएम योगी के हाथों शुभारंभ होगा। इसमें प्रदेश भर के करीब 1 लाख किसानों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेले में कृषि उद्योग से जुड़े देश और दुनिया के 200 एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों और तकनीक की प्रदर्शनियां लगाएंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने बताया कि मेले में पराली प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों को यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन उनका पर्याप्त लाभ किसान नहीं उठा रहे हैं, इसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपी में सीएम योगी सख्त, जमीन पैमाइश पर खेल बर्दाश्त नहीं। मौजूदा और पूर्व डीएम को नोटिस, IAS और 3 PCS हो चुके निलंबित। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जमीन पैमाइश मामले में नियुक्ति विभाग ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और पूर्व डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को नोटिस दिया गया है। राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों से पर्यवेक्षी शिथिलता और लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में इससे पहले ही 1 IAS और 3 PCS अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। कल हमने आपको बताया था, लखीमपुर खीरी में 6 वर्षों तक जमीन पैमाइश लटकाए रखी गई। मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, उन्होंने घूस मांगने के मामले की जांच शुरू करा दी, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब इस मामले में फिलहाल की जो डीएम है लखीमपुर खीरी की, दुर्गा शक्ति नागपाल, उन पर भी गाज गिर गई है, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है।
यूपी के आजमगढ़ में 6 लाख से अधिक के आभूषण की चोरी। गुरुवार की शाम आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। शिक्षक दंपति गए थे घर से बाहर। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के बैल बाजार के पास चोरों ने शिक्षक दंपति के घर पर धावा बोलकर 6 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। मामले की जानकारी शिक्षक दंपति को तब हुई जब देर शाम वो अपने घर पहुंचे, तब देखा कि अलमारी खुली हुई है। इसके बाद उन्हें अपने घर में हुई बड़ी चोरी के बारे में जानकारी हुई। यूपी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 पर हाईकोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कहा 126 पदों के अलावा अन्य सभी पदों का रिजल्ट जारी करें। आदेश को किया संशोधित। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती 2022 के परिणाम पर रोक लगाने के आदेश को संशोधित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य सेविका के 126 पदों को खाली रख कर शेष पदों के लिए कानून के अनुसार परिणाम घोषित कर सकता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो की अड़चन को दूर करेंगे खट्टर। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री ने की अपने विभागों की समीक्षा। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने विभागों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात की और कहा कि लखनऊ में मेट्रो के काम में आने वाली हर अड़चन को वह दूर करेंगे। गाजियाबाद और मेरठ में संचालित रैपिड रेल अगले साल जून तक पूरे 82 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लेगी। अभी तक यह रैपिड ट्रेन 42 किलोमीटर तक चल रही है। उन्होंने बताया कि जीवर मेट्रो का काम भी शुरू हो गया है। खट्टर ने कहा कि जब से वे मंत्री बने हैं कुल 16 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जनवरी तक देश के बाकी राज्यों का भी दौरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है। 2021-22 में 27% लाइन लॉस था, उसे 16% पर ला दिया गया। यूपी में दिसंबर जनवरी में हो सकती है टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं। आयोग ने मांगे परीक्षा केंद्र। दरअसल नई शिक्षक भर्तियां शुरू करने के पूर्व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबित भर्तियां पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ाए। असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान विषय के शेष पदों का परिणाम जारी करने के बाद आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता समर्ग पीजीटी के 4163 पदों के लिए दिसंबर के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह तक में परीक्षा कराने की योजना पर कार्य कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जून 2024 के शासनादेश के क्रम में मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। उत्तर प्रदेश में टीबी मरीजों को अब मिलेगी 1000 रुपए की आर्थिक मदद। केंद्र का 2025 तक टीबी मुक्ति का है लक्ष्य। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में टीबी से सबसे बड़ी जीत देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार चाहती है कि एक भी मरीज न रह जाए। इसके लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। लगातार टीबी मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें उपचार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि रोगियों को अनुदान के रूप में 500 रुपए को दोगुना करके अब 1000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने रोगियों के डाइट अनुदान को दोगुना कर दिया है। केंद्र सरकार को देश 2025 तक टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित करेगी टाटा पावर। मिलती है 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी। जी हां, आपको बताने की टाटा पावर कंपनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों में 10 लाख सोलर रूफटॉप की स्थापना का लक्ष्य रखा है। अभी तक कंपनी 10,000 सोलर रूफटॉप स्थापित कर चुकी है। साथ ही कंपनी उत्तर प्रदेश के 1,000 स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थियों को बिजली की बचत करने व सौर ऊर्जा को लेकर जागरूक करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। टाटा पावर के सीईओ ने पत्रकारों से कहा कि कंपनी लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़ में 136 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप की स्थापना कर चुकी है। यूपी के जिले में दरोगा समेत 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज होगी FIR। जानिए क्या है पूरा मामला। तो आपको बता दें कि 4 महापौर और रॉक घसिया बस्ती में दलित महिलाओं की बेरहमी से पिटाई करने, जाति सूचक शब्द से अपमानित करने, घर में घुसकर तोड़फोड़ कर सामान नष्ट करने, नकद रुपए लूटने, शिकायत पर एनकाउंटर की धमकी दिए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट आबिश शमीम की अदालत ने तत्कालीन चुर्क चौकी इंचार्ज SI कमल नयन दुबे समेत 8 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधिकारी से विवेचना कराने का आदेश दिया है। यूपी के काशी में देव दीपावली की तैयारियां पूरी। सीएम योगी और उपराष्ट्रपति धनखड़ होंगे खास मेहमान। जी हां, आपको बताने की देव दीपावली पर आज गंगा के अर्धचंद्राकार घाट ही नहीं बल्कि पूरी काशी दीपों की ज्योति से दीप्तिमान होगी। इसके साक्षी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बनेंगे। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित काफी संख्या में आ रहे अतिथि असंख्य दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली मनाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करीब 4:30 बजे नमो घाट का उद्घाटन करेंगे। तत्पश्चात नमो घाट से देव दीपावली की शुरुआत करेंगे।
यूपी के गोरखपुर की यह मुख्य सड़क होगी 28 मीटर चौड़ी, बनेगा पाथवे, जाम से मिलेगी मुक्ति। दरअसल आपको बता दें कि कचहरी चौराहे से काली मंदिर तक गोलघर क्षेत्र की सड़क की चौड़ाई 28 मीटर की जाएगी। अभी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर है। सड़क पर ही चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर पाथवे बनाया जाएगा। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए डक्ट बनाकर गैस पाइपलाइन, पानी की लाइन, बिजली केबल, टेलीफोन लाइन, नाली आदि बनाई जाएगी। राहत की बात तो यह है कि सड़क चौड़ीकरण में फिलहाल दुकानों में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन्हें ही पीछे जाना होगा। यूपी में स्मार्ट मीटर में आ रही दिक्कतों का किया जाएगा समाधान, अब लगाए जाएंगे चेक मीटर। ऊर्जा मंत्री ने की बड़ी घोषणा। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी आशंकाओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा तय किए गए 5% चेक मीटर लगाने के मानकों का पालन किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत में भरोसा दिलाया। उन्होंने साफ किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी उपभोक्ताओं के शंकाओं के समाधान के लिए जरूरत पड़ने पर 5% से अधिक भी चेक मीटर लगाए जा सकते हैं। हालांकि यह भी कहा कि जल्द इससे जुड़ी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और चेक मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत, सजा बरकरार, विधायक की बहाल नहीं होगी। सीसामऊ में उपचुनाव होगा, पत्नी बोली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां, आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आग लगाने के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि इरफान की विधायकी बहाल नहीं होगी और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होगा। आपको बता दें तो जस्टिस राजीव गुप्ता और सुरेंद्र सिंह की बेंच ने इरफान की याचिका पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि जमानत के बाद भी इरफान दूसरे मामलों की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाए, वह अभी महाराजगंज जेल में बंद हैं। इधर इरफान की पत्नी नसीम ने कहा, अल्लाह का बहुत शुक्र, न्यायालय का धन्यवाद देती हूँ जो अच्छे समय पे अच्छा फैसला दिया, विधायक जी को बेल दे दी। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, विधायक बेकसूर है। यूपी के संविदा बस ड्राइवर कंडक्टरों के लिए राहत की खबर, 1 करोड़ का बीमा होगा। जी हां, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर तैनात कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। निगम प्रशासन अपने संविदा चालक परिचालक के लिए नई बीमा पॉलिसी ला रहा है। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर का 1 करोड़ रुपए का बीमा होगा। बस घटना या ड्यूटी के दौरान संविदा चालक या परिचालक की घटना होने पर परिजनों को 1 करोड़ मिलेंगे। मृतक आश्रित के बेटे की शिक्षा और बेटे की शादी के लिए 10-10 लाख का बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। इस संबंध में 5 बैंकों ने अपने प्रस्ताव निगम की मांग पर सौंपे हैं। जल्द ही इस पर बड़ा फैसला होगा। यूपी के कानपुर में इस वजह से रहेगा रूट डायवर्जन। सोच समझ कर गाड़ी से निकले बाहर, नहीं तो फंसेंगे घंटों जाम में। जी हां, आपको बता दें कि अभी कल ही इतना बड़ा जाम लगा था कानपुर में, 18 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। आपको बता दें कि कई घंटे तक, 10-15 घंटे तक सब जाम में फंसे रहे। अभी बड़ी खबर आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर लगने वाले मेले और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर के कई स्थानों में यातायात का डायवर्जन किया गया। आज 15 नवंबर को भी कुछ जगहों पर डायवर्जन लागू रहेगा, लेकिन इस दौरान काफी ज्यादा भीड़ रहने वाली है क्योंकि सभी लोग नहान करके बाहर निकलने वाले हैं। गंगा घाटों पर आने वालों के लिए यातायात विभाग ने पार्किंग व्यवस्था भी की है ताकि वाहनों को खड़ा करने में लोगों को समस्याएं न आए। सरकार इनको भी लगती है ठंड, शुरू हो गई ठंड की मार। मुरादाबाद जिले के 26,000 बच्चों को स्वेटर का इंतजार। जी हां, आपको बता दें कि धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन परसदी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बिना जूती और स्वेटर के स्कूल आने को विवश हैं। मुरादाबाद जिले के करीब 26,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में शासन द्वारा मिलने वाली 1200 रुपए की धनराशि अभी तक नहीं पहुंची है। बीएसए का कहना है कि शासन की ओर से लगातार धनराशि भेजी जा रही। जिन बच्चों के अभिभावकों के खाते में रुपए आ गए हैं उन्हें स्वेटर खरीदने के लिए कहा जा रहा है। जिले में 1408 परसदी स्कूलों में 158,000 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 132,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में जूता, मोजा, स्वेटर, यूनिफॉर्म, बैग के लिए धनराशि भेजी जा चुकी है। अखिलेश यादव ने निकाला था गणित दहाई में सिमटेगी भाजपा, योगी के एक एक्शन ने सपने को किया चकनाचूर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2 दिन में परीक्षा लेने और नंबर का नॉर्मलाइजेशन करने के फैसले के खिलाफ छात्र छात्राओं के लगातार 4थे दिन आंदोलन से विरोधी पार्टियों को आपदा में अवसर नजर आ रहा था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो प्रदर्शन के आधार पर एक नया गणित लगाकर बताया कि भारतीय जनता पार्टी यूपी के हर सीट पर 25,000 वोट घट जाएंगे और दहाई अंकों में सिमट जाएगी। लेकिन योगी के एक एक्शन से अखिलेश यादव का यह सपना चकनाचूर हो गया है, क्योंकि योगी सरकार ने छात्रों की बात मान ली है, इसलिए अब इस मुद्दे की हवा निकल चुकी है।
उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों कॉलोनियों में 31 मार्च तक लगाएं स्मार्ट प्रीपेड मीटर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिए निर्देश। दरअसल प्रदेश में पहले सरकारी कार्यालयों कॉलोनियों के साथ ही वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगले वर्ष 31 मार्च तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी कॉलोनियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ही लगाने का काम होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के ट्रांसफार्मर मुफ्त में शीघ्र बदले जाएं, किसानों के नलकूपों में अंधेरा न रहे, इसके लिए उन्हें रात में भी सिंगल फेज लाइट दी जाए। उन्होंने लाइन लॉस कम करने के लिए विद्युत चोरी रोकने के ठोस प्रयास करने के भी निर्देश दिए। खट्टर ने सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर भी बल दिया। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप लाइक और शेयर नहीं करते। प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए या मत करिए।